नमस्कार इंदौर, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 11 अप्रैल सोमवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवार। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। धार रोड पर सोमवार अल सुबह एक हादसे में 3 नाबालिग घायल हो गए। सूचना के बाद एम्बुलेंस तीनों को लेकर अस्पताल पहुंची। इसमें से एक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सहरी के बाद तीनों बिना बताए बाइक लेकर निकले थे और हादसे का शिकार हो गए। पुलिस मामले में जांच कर रही है। चंदन नगर पुलिस के मुताबिक घटना जवाहर टेकरी की बताई जा रही है। यहां एक बाइक दीवार से टकराने के चलते 14 साल के अरमान पिता अशफाक निवासी बांक की हादसे में मौत हो गई, जबकि उसका साथी जैनून उम्र 13 पिता सादिक गंभीर घायल हुआ है। वहीं एक रिश्तेदार अरमान को मामूली चोट आई है। तीनों जवाहर टेकरी के यहाँ एक घर की दीवार में बाइक सहित जा घुसे थे। पुलिस के मुताबिक अरमान अल सुबह सहरी के बाद जैनून और अमान को लेकर बाइक से निकला था। बच्चे परिजन को बिना बताए बाइक से निकले थे। परिजनों ने पुलिस को बयान में बताया कि उन्हें किसी कार ने टक्कर मारी, फिर उनकी बाइक दीवार में जा घुसी। पुलिस के मुताबिक दोनों 9वीं कक्षा के छात्र हैं, जबकि अमान 10वीं का छात्र है। पुलिस के मुताबिक हादसे में घायल जैनून की हालत गंभीर बताई गई है। एक की डेड हो गई और एक सीरियस है। 3 बच्चे थे, उसमें से एक इसका बड़ा भाई था जो पीछे बैठा था, उसको खैर ज़्यादा लगी नहीं है। ये जा रहे थे शेयर करना, आज से निकले थे सुबह, हम तो सब सो रहे थे फजर की नमाज के बाद, तो जा रहे थे। पीछे से कोई कार वाले ने या कोई गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं, तो सामने दीवार में ठुका गई है। ये सुबह 6:45 एक लड़का अशफाक नाम का मोटरसाइकिल से गिर गया था, डिवाइडर टकरा गया था ऐसा, और आगे जो जाँच में का विषय है, जाँच में जो भी आएगा देखा जाएगा। अन्नपूर्णा मंदिर के पास फलों की दुकान में सोमवार सुबह आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फल व्यापारी ने दुकान के पीछे ही गोदाम भी बना रखा था, जो आग से जलकर खाक हो गया। फल व्यापारी ने महाराष्ट्र से मंगवा कर यहाँ लाखों रुपए के आम और सेब भरकर रखे थे, वह भी जलकर खाक हो गए। सुबह करीब 7 बजे आगजनी की घटना हुई। ये दुकान और गोदाम सावन पिता कालू का था। 3 शेड से बने गोदाम में फल भरे थे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मालिक सावन ने बताया उनके गोदाम के समीप पेड़ है, जिसके पास बिजली का खंभा लगा हुआ है। हवा से पेड़ हिला तो शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे आग लग गई। सावन के मुताबिक एक दिन पहले ही उन्होंने महाराष्ट्र से फल मंगवाए थे। वे करीब 10 सालों से यहां फल बेचने का काम कर रहे हैं। करीब 27 साल से मकान पर कब्जा करके बैठे किरायेदार को सोमवार को प्रशासनिक टीम ने हटाकर मकान मालकिन को कब्जा दिलवाया। किरायेदार पिछले 27 सालों से ना तो किराया दे रहा था और ना ही मकान खाली कर रहा था। कलेक्टर से शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। दरअसल आड़ा बाजार में सुनेना प्रभाकर महाड़ी का मकान है। उन्होंने अपने यहाँ योगेंद्र पिता पुरुषोत्तम पौराणिक को किराए पर रखा था। बुजुर्ग महिला को देख उसने मकान पर कब्जा कर लिया। पिछले 27 सालों से वह ना तो किराया दे रहा था और ना ही मकान खाली कर रहा था। उनकी दुकान पर भी उसने कब्जा जमा लिया था। सुनेना महाड़ी को थायराइड, ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारियों के चलते डॉक्टर ने उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर रहने को कहा था। उन्होंने किरायेदार से कई बार मकान खाली करने को कहा, लेकिन वह राजी नहीं हुआ। इस पर सुनेना महाड़िक ने कलेक्टर मनीष सिंह को कई बार शिकायत की, जिसके बाद सोमवार को नायब तहसीलदार नितेश भार्गव मौके पर पहुंचे और महिला को कब्जा दिलवाया। इससे पहले प्रशासन उन्हें दुकान का कब्जा भी दिलवा चुका है। योगेंद्र पुरुषोत्तम पौराणिक ने इस पे कब्जा कर रखा था। दुकान तो मेरे को कलेक्टर साहब ने दिलवा दी, वो मकान नहीं दे रहा था, और डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया मेरे को बीपी, थायराइड, ब्लड प्रेशर, घुटनों का दर्द सब मेरे को था। तो डॉक्टर बोले कि आप ग्राउंड फ्लोर पे रहिए। तो मैंने उससे निवेदन करा, भैया ये खाली कर देगा तो मैं यहाँ रहूँगी, पर वो करने को ही तैयार नहीं था। फिर मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन करा, उनके कृपा से मेरे को ये मकान मिला। वहाँ पे लगभग पिछले 27 सालों से अवैध कब्जा करके योगेंद्र पौराणिक जी है, तो वो इनके मकान में थे, उनको किराए से रखा हुआ था, लेकिन पिछले लगभग 25-27 सालों से ना किराया दे रहे थे ना ही मकान खाली कर रहे थे। तो SDM साहब के यहाँ से अभी इसमें आदेश हुआ है, तो उसी आदेश के पालन में आज यहाँ पर आके हम इनके मकान पर, जो मकान की स्वामिनी है, उनको कब्जा दिलाने के लिए हम यहाँ पर आए। पुलिस ने ऐसी शातिर महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने ही दोस्त की डिजायर गाड़ी हर महीने 20,000 रुपए के अनुबंध पर किराए पर ली, लेकिन
गाड़ी को भोपाल में बेच दिया। इसकी शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर महिला की तलाश शुरू की थी। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन गाड़ी अभी तक पुलिस ने जब्त नहीं की है। दरअसल मामला MIG थाना क्षेत्र का है, जहां फरियादी सागर विश्वकर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी दोस्ती रश्मि राठौर नामक महिला से थी, जहां शातिर महिला ने सागर से पहले 20,000 प्रति माह पर गाड़ी किराए से ली और इसका एग्रीमेंट भी कराया। 2 महीने तो महिला ने बहाना बनाकर रुपए नहीं दिए, लेकिन जब फरियादी को पता चला कि उसकी गाड़ी भोपाल में बेच दी गई है, पुलिस प्रकरण दर्ज करने के बाद अब रश्मि राठौर की तलाश कर रही थी और मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। फिलहाल अब तक पुलिस गाड़ी बरामद नहीं कर सकी है। इसमें महिला आरोपी को हम पकड़ के लाए हैं, जिनके विरुद्ध सागर विश्वकर्मा ने ये रिपोर्ट कराई थी कि इन्होंने उनकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी जो 20,000 रुपए महीने की किराए पर ली थी और इसको ले जा करके इन्होंने किसी अन्य को दे दी और इसके बाद इनका इन्होंने किराया देना लेना भी बंद कर दिया। तो उनको आज गिरफ्तार करके लाया है और उनको न्यायालय पेश करा रहे हैं और तो उनको पुलिस से मांग लेंगे ताकि उनकी आगे कार्रवाई। अवैध हथियारों की खरीदी फिरोख करने वाले पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सोमवार को पिस्टल बेचने की फिराक में खड़े बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके पास से 3 पिस्टल और 3 गोलियां बरामद की गई है। खजराना थाना पुलिस के मुताबिक झलारिया रोड पर खड़े अशफाक पिता मोहम्मद हुसैन नामक बदमाश को पकड़ा, जो किसी व्यक्ति को पिस्टल देने के लिए खड़ा हुआ था। पूछताछ में उसने बताया कि वो जैन का रहने वाला है। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि वो पिस्टल कहां से लाया था और किसे देने की फिराक में घूम रहा था। क्षेत्र में एक बदमाश से हथियार जब्त हुए हैं, पिस्टल जब्त हुई है, राउंड भी जब्त हुए हैं। इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। ये प्रथम दृष्टया जो पिस्टल हैं वो कंट्री मेड लग रहे हैं, जैसे क्लिकर इत्यादि के बनाए हुए रहते हैं। अब इसको रिमांड पे लेके पूछताछ की जा रही है ताकि इसमें कहां से ये लाया है और इसका कहां आगे उपयोग करने वाला था, इस संबंध में जांच की जा। बीजेपी के कुछ लोग हम लोगों को पीछे से मारने का काम कर रहे थे और यही लोग ऐसी ताराशाही करते रहेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर युवा कांग्रेस ने सोमवार को हल्ला बोल दिया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी प्रदर्शन में शामिल हुए। हालांकि भीड़ नहीं जुटने से विरोध प्रदर्शन फ्लॉप हो गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जेल भेज दिया। दरअसल महंगाई और शिक्षक भर्ती परीक्षा के खिलाफ युवा कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय के घेराव की घोषणा की थी, जिसके चलते पुलिस पहले से ही सतर्क थी। इसके तहत कलेक्टर कार्यालय से हरसिद्धि की ओर जाने वाले रास्ते को बैरिकेटिंग के जरिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया और यहां 4 से ज्यादा थानों की फोर्स, वज्र वाहन, वाटर कैनन और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया। इसके बाद वहां पहुंचे कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने हुज्जत भी की। इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही झगड़ लिए। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने इसे बीजेपी की साजिश करार देते हुए कहा कि बीजेपी के लोग उन्हें मार रहे हैं। इसके बाद मुट्ठी भर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रदर्शन की खास बात ये रही कि कांग्रेसियों में एकजुटता नजर ही नहीं आई। 2 घंटे इंतजार के बावजूद भीड़ नहीं जुट सकी और विरोध प्रदर्शन फ्लॉप हो गया। और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे जब तक कि आप हमारी मांग नहीं मानेंगे। बीजेपी हर हथकंड अपनाएगी। बीजेपी के कुछ लोग हम लोगों को पीछे से मारने का काम कर रहे थे और यही लोग ऐसी ताराशाही करते रहेंगे। मर्दों के द्वारा कलेक्टर घेराव का आज इसमें ऐलान किया गया था, जिसके द्वारा हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ में व्यवस्था लगाई थी। इसके बावजूद भी उनके द्वारा बैरिकेड पर चढ़ने का प्रयास किया गया, उनको वार्न किया गया कि विधि विरुद्ध है, उनका विधि विरुद्ध घोषित किया गया। बाद में उनको गिरफ्तार करके और CI जेल भेजा गया है। अग्रिम कार्रवाई जारी। खंडवा रोड स्थित क्वीज कॉलेज परिसर में आयोजित सिंधी मेले का रविवार को समापन हो गया। सिंधी व्यंजनों की खुशबू से महकते परिसर में लोगों ने खूब एंजॉय किया, साथ ही व्यंजनों का लुफ्त भी उठाया। आयोजन भारतीय सिंधु सभा एवं सिंधी युवा मोर्चा द्वारा किया गया। 2 दिवसीय मेले के समापन पर बड़ी संख्या में सिंधी समाजजन एवं शहरवासी उपस्थित थे।
दरअसल सिंधी संस्कृति और व्यंजनों की परंपरा बनाए रखने के लिए सिंधी मेला आयोजित किया गया। इसमें दाल पकवान, पानी पूरी सहित करीब 80 व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। बच्चों के लिए किड जोन बनाया गया और प्रदर्शनी भी लगाई गई। कोरोना काल के बाद लोगों ने मेले का जमकर आनंद लिया। देखिए, दो साल के कोरोना की महामारी के इस भावे समय के बाद जब सिंधी समाज को अपने इष्टदेव भगवान झूलेलाल का पर्व धूमधाम से मनाने का मौका मिला तो कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आप देख रहे हैं पिछले 20 दिनों से इंदौर में सिंधी समाज का ये पूरा चेटीचंड महोत्सव बहुत धूमधाम से मना। चेटीचंड महोत्सव 2022 का समापन आज एक भव्य सिंधी मेले के रूप में हो रहा है। देखिए, यहाँ पे आज हम लोगों ने जो आयोजन किया उसमें एक तो सिंधी फूड फेस्टिवल है जिसमें 70 से 80 तरह के सिंधी आइटम है। लगभग जितने होते हैं उसका 80% हमारे यहाँ पे सभी सब फूड हैं यहाँ पे। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में ये है जिसमें हिंदुस्तानी नहीं विश्व के विख्यात कलाकार आए हुए हैं आज, जो थोड़ी देर में यहाँ पे पेशकश देंगे। साथ ही साथ पे आप यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों के लिए किड जोन है और हम लोगों ने एग्जीबिशन भी लगाई जो शहादत दे चुके हमारे पूर्वज, उनकी एग्जीबिशन भी हम लोगों ने इसमें लगाई है। एमआईजी थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें आरोपी ने लोन दिलाने के वाम पर 10,000 रुपए महिला से झपट लिए। आरोपी ने लोन तो दिलाया ही नहीं, उल्टा महिला के बहन का मंगलसूत्र भी लेकर फरार हो गया। महिला ने मामले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है। दरअसल एमआईजी थाना क्षेत्र की ज्योति पिता सुरेश बारोट ने अपने साथ धोखाधड़ी होने की शिकायत दर्ज कराई है। उसके मुताबिक रंजीत उर्फ जीतू नामक व्यक्ति ने उसे लोन दिलाने का वादा किया था। इसके एवज में उसने 10,000 रुपए लिए। इसी बीच उसने महिला की बहन का मंगल सूत्र भी ले लिया। जब काफी समय तक लोन स्वीकृत नहीं हुआ तो ज्योति ने रंजीत उर्फ जीतू से बात की तो वो टालता रहा। ऐसे में ज्योति ने आरोपी के खिलाफ एमआईजी थाने में मामला दर्ज कराया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हाँ, ये कल एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है। ज्योति सनाब सुरेश बारोट करके महिला है। वर्ष 2020 में जो है इनसे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम है रंजीत उर्फ जीतू और उन्होंने लोन दिलाने के नाम से इनसे 10,000 रुपए ले लिए और मंगलसूत्र इनकी जो बहन दीदी का है वो ले लिया। और आजकल करते करते इन्होंने अब तक निकाल लिया समय और उनको लोन भी नहीं दिलाया और उनके पैसे हड़प लिए हैं। इस पर से 406 का अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी इस समय फरार है। जो स्थान उन्होंने बताया था वहाँ वो नहीं रह रहा है और उसकी डिटेल निकाली जा रही है। शीघ्र इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निवेश के नाम पर 2 गुना पैसा देकर एडवाइजरी कंपनी चलाने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। प्रॉफिट विस्तार कंपनी के डायरेक्टर गौरव अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। फरियादी से निवेश के नाम पर 1,90,000 रुपए लेकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के ऑर्बिट मॉल में संचालित कंपनी प्रॉफिट विस्ता के डायरेक्टर गौरव अग्रवाल के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। बताया जा रहा है कि फरियादी प्रवेश उपाध्याय से 2 गुना पैसा लौटाने की बात कर एडवाइजरी कंपनी में निवेश कराया था। फरियादी से 1,90,000 रुपए जमा कराए थे। ठगी का शिकार होने के बाद फरियादी ने पुलिस को इसकी शिकायत की थी। हालांकि मामले में पुलिस ने नोटिस के आधार पर आरोपी को थाने से छोड़ दिया। टीआई तहजीब काजी ने बताया कि कंपनी सेबी से तो रजिस्टर्ड है या नहीं ये जानकारी मांगी गई है। वहीं क्या क्या टर्म एंड कंडीशन कंपनी को अपनाना चाहिए थी और क्या इनको अपनाया गया या नहीं, कंपनी ने अन्य लोगों के से निवेश के नाम पर धोखाधड़ी की है तो इसकी जांच भी की जाएगी और मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। कंपनी के बैंक खाते की भी जानकारी जुटाई गई है और अन्य लोगों की भूमिका सामने आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। फरियादी द्वारा शिकायत की गई थी कि कंपनी है, कंपनी में उसने 1,90,000 रुपए बैंक के माध्यम से और बाकी के नगद इन्वेस्ट किया था, परंतु कोई इन्वेस्टमेंट में लाभ भी नहीं हुआ और उसके फिर पैसे भी वापस नहीं किए गए। तो शिकायत तो की गई थी। शिकायत के आधार पर प्रकरण 420-406 का पंजीबद्ध किया गया है और बाकी विवेचना की जा रही है उसे। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद इंदौर के क्राइम ब्रांच ने 10 अंधे कत्लों को अपनी जांच के दायरे में लिया है। इन मामलों की जांच कंपनी ने शुरू कर दी है।
आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में कई अंधे कत्ल की गुत्थी अनसुलझी है। इसमें मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है या इनके कातिल अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। ऐसे में क्राइम ब्रांच को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इंदौर पुलिस कमिश्नर ने सौंपी है। पिछले 10 साल के भीतर हुए अंधे कत्ल की सूची तैयार कर पुलिस दोबारा से इन मामलों की जांच करेगी। कागजों में दफन अंधे कत्ल की डायरियों की दोबारा से जांच क्राइम ब्रांच करेगी। हाल ही में खजराना, लसूड़िया, राजेंद्र नगर, एरोड्रम में अंधे अनसुलझे कत्ल हैं। इनमें अब तक मरने वालों की पहचान तक नहीं हो सकी है। ऐसे में क्राइम ब्रांच की अलग अलग 3 टीमें मामले की जांच में जुटी है और उस कड़ी में उन मामलों को भी लिया गया है जो बरसों से, दशकों से बल्कि कह सकते हैं जो पेंडिंग है या उस समय जो भी तथ्यात्मक कमियों के कारण उस समय प्रकाश में नहीं पाया, कोई खुलासा नहीं हो पाए, उन पे हमारी टीमें अलग से काम कर रही हैं और कोशिश है कि उन इलाकों पर कड़ियों को जोड़ करके अगर कोई नया तथ्य सामने आता है या कोई नया पक्ष सामने आता है तो उसके आधार पर पुनः मामले को आगे बढ़ा करके उसे परिणति तक पहुंचाया जा सके। लेकिन आधुनिक तकनीक के आ जाने से DNA के माध्यम से या फिर फिंगरप्रिंट और बाकी जानकारियों से पुलिस कोशिश करती है कि जो NCRB और SCRB के जो आंकड़े हैं जो कि उपलब्ध हैं तो उनके आधार पर फरियादी की पहले पहचान की जाए, मृतक की पहचान की जाए और उसके बाद में तथ्यों तक पहुंचा जाए। गर्मी में पशु पक्षियों को पानी मिल सके इसके लिए एनिमल वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन सोसाइटी की फाउंडर वैशाली शाह ने 500 जल पात्रों का वितरण किया। महिला थाने पर सोमवार दोपहर DNA वेलफेयर की पीयू झाला और निडिटल फाउंडेशन के कार्तिक तंवर पहुंचे, उन लोगों को जल पात्रों का वितरण किया। उन्होंने शहर वासियों से भी अपील की कि इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों को दाना और पानी की काफी समस्या होती है, इसलिए अपने आसपास पानी और दाने की व्यवस्था कर इन्हें बचाएं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जल पात्रों का वितरण किया। एनिमल वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन सोसाइटी द्वारा, जिसके फाउंडर वैशाली शाह है, उनके द्वारा 500 कुंड का वितरण किया गया है। इस गर्मी को देखते हुए, जो गर्मी बहुत हो रही है, तो एनिमल्स को जो पानी की प्यास उनकी नहीं होती है, तो इसके लिए उन्होंने 500 कुंड का वितरण किया है। वैशाली शाह जी पिछले 15 सालों से बेजुबानों की मदद कर रही है, उनका इलाज करके उनको अच्छा जीवन प्रदान कर रही है और AWRS का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट डॉग की समस्या को ख़त्म करना है। AWRS जो वेलफेयर सोसाइटी, एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, जिसकी ऑनर है वैशाली शाह, जो कि 500 कुंडों का उन्होंने वितरण किया है, उन्हीं के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई है। और इंदौर शहर में हम लोग अलग अलग एरियाज़ में जो भी एनिमल लवर्स है, जो भी वॉलंटियर्स है, उनकी मदद से हम सारे कुंडों को अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। AWRS जो सोसाइटी है उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो पशुओं के लिए ये कुंड बाँट के, और मैं पब्लिक को भी मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपने लेवल पर जैसे भी हो पशु पक्षियों की रक्षा करें और इस गर्मी से उन्हें बचाएं, उनको पानी दाने की व्यवस्था करें। और अब खबरें दे दनादन। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने सक्रिय राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। रविवार को उज्जैन में महाकाल दर्शन के बाद वह इंदौर पहुंचे। वाड्रा ने कहा, मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं, मुझे इस परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं राजनीति को समझता हूं, अगर लोग चाहेंगे कि मैं उनका नेतृत्व करूं तो करूंगा। मौजूदा दौर की राजनीति के सवाल पर वह बोले, आज जो राजनीति हो रही है उससे घबराहट होने लगी है, ये लोकतंत्र नहीं है। MP में हूँ और मतलब कि महाकाल ऐसा शुभ दिन पर हूँ जहाँ रामनवमी है, और मैंने जैसे ही शुरू किया था फिर बोलूँगा कि शुभकामनाएं मेरे पूरे देशवासियों के साथ हैं। जब से मैं इस परिवार का सदस्य हूँ और मुझे इस परिवार से सीखने को बहुत मिला, जैसे देश बदल रहा है, और घबराहट होती है पर मतलब कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ऑप्टिक्स हो गई हैं। शराब दुकान को बंद करने को लेकर खंडवा रोड रहवासी संघ द्वारा पिछले 12 दिनों से शराब दुकान के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान रहवासियों ने भजन गाते हुए भगवान से प्रशासन और शराब माफियाओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। इस शराब दुकान के विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन पिछले 12 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, लेकिन शासन प्रशासन और शराब माफिया और प्रशासन को सद्बुद्धि दे ताकि शराब दुकान यहाँ जल्द से जल्द बंद कर दी जाए। बीमारी से परेशान एक वृद्ध ने हाथ की नस काट ली। परिजन उसे अरविंदो अस्पताल ले गए। यहाँ ठीक नहीं होने पर बाणगंगा स्थित निजी अस्पताल ले गए। वहाँ से उन्हें MY अस्पताल रेफर कर दिया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 58 वर्षीय मृतक का नाम भवानी शंकर, पिता पूरा सिंह, निवासी न्यू खातीपुरा है। हीरानगर पुलिस ने मर्ग कायम किया है।
ये दिनांक 6/4/2022 को इन्होंने अपने घर पर हाथ की नस काट ली थी। इनको इलाज के लिए अरविंदो हॉस्पिटल लेकर गए थे, वहाँ इनका इलाज चल रहा था। उसके बाद में इनके परिवार वालों के द्वारा निजी हॉस्पिटल बाणगंगा लेकर गए थे, वहाँ से फिर रेफर यहाँ MYH कर दिया गया। MYH में इलाज दौरान इनकी मृत्यु। न्यू इंद्रा एकता नगर निवासी राकेश पिता माणक चंद वर्मा की संदिग्ध मौत हो गई। हालांकि मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। आज नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाभी का मतलब फांसी लगा ली, पता लग रही है। फिर वो देखने का इसको पावर हाउस में काम करता है। क्या कुछ तकलीफ है इनसे? नहीं, तकलीफ तो कुछ नहीं, पता नहीं कैसा। ये इंद्रा एकता नगर का है, राकेश पिता माणक चंद वर्मा। ये फांसी लगाने का सूचना मिल रही है, मर गए कहीं नहीं हुई है, जिसकी PM कराने के लिए आया है। पंचवटी के पीछे रेलवे लाइन पर ट्रेन से कटने से एक युवक की मौत हो गई। सोमवार सुबह लसूड़िया पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची। मृतक के पास मोबाइल मिला जो डिस्चार्ज था। उसे पुलिस ने चार्ज किया और फिर परिजनों से बात की। मृतक की बहन ने बताया उसका नाम दुर्गेश है और वह रुचि सोया में काम करता था। वह मूलतः दमोह जिले का रहने वाला है और 2 माह पहले ही काम करने इंदौर आया था। रेलवे पटरी से कटा हुआ शव मिला, ट्रेन से कट गया। तो हम लोग एक जियो का मोबाइल डिस्चार्ज मिला, पार्टी की आदमी हुई थी, उसके बाद मोबाइल चार्ज करा तो पता लगा जी दमोह जिले का रहने वाला है। नाम क्या है? नाम इसका दुर्गेश। कहाँ काम करता था? रुचि सोया। शहर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने प्रकोष्ठ प्रभारी देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में सोमवार को रिगल चौराहा स्थित पुलिस उप मुख्यालय पर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र एवं एडिशनल DSP मनीष कपूरिया के नाम ज्ञापन DSP अजय तिवारी को सौंपा। इसमें कहा कि वेंकटेश विहार कॉलोनी में आरक्षक जयप्रकाश जायसवाल पर डंडे से हमला किया गया, जिससे वह घायल हो गया। प्रतिनिधि मंडल ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अपराधों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। अगर थाने के आरक्षक जयप्रकाश जायसवाल के साथ अपराधी तत्वों द्वारा मारपीट की जाती है, दौड़ा दौड़ा कर मारपीट की जाती है, ईंट से सर फोड़ दिया जाता है, गंभीर रूप से उक्त जवान घायल हो जाता है, उसके बाद एरोड्रम थाने पर उस अपराधी पर छोटी सी कार्रवाई करके उसे तत्काल छोड़ दिया जाता है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, गुंडों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। जब हमारे द्वारा एक्शन लिया जाता है, जब कार्रवाई की जाती है, उसकी जुलूस निकालते हैं। IPL शुरू होते ही सटोरी भी सक्रिय हो गए हैं, जिसके चलते पुलिस भी लगातार इन सटोरियों पर कार्रवाई कर रही है। लसूड़िया पुलिस ने IPL मैच पर सट्टा लगाते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम विपिन गुप्ता व बलबीर सिंह है। इनके पास से 5 से अधिक मोबाइल और 4,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। लसूड़िया थाना क्षेत्र में IPL का सट्टा लगाते हुए कुछ लोग पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद इनसे जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिक जो बातें पता चली हैं कि जब से IPL शुरू हुआ है ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे और लोगों से पैसा लेके ये IPL में सट्टा लगवाने का काम करते थे। इसमें प्रलोभन चूंकि ज़्यादा बढ़ा देते थे तो लोग इसमें इनकी तरफ आकर्षित होते थे। अभी इन पे पूछताछ चल रही है, पूछताछ में जो तथ्य आएंगे फिर अग्रिम करवाए। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।